everyone. I welcome you all to today's class. Today is yet another class of replication of DNA. कल हमने देखा था कि replication of DNA concept से पहले कुछ concepts हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है, जैसे कि DNA ही क्यों genetic material है. तो कल हमने DNA as a genetic material की discovery, then confirmation, then concrete confirmation, ये तीनों experiments कल देखे थे. तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे. उससे पहले प्रियंका गुड इवनिंग. उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं. तो अनअकैडमी पे प्राइस हाइक अलर्ट है. प्राइस हाइक अलर्ट मतलब जो भी प्राइजेस आपको सब्सक्रिप्शन के दिख रहे हैं वो अब बढ़ने वाला है. 1 जुलाई से सारे प्राइजेस चेंज हो जाएंगे. सारे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही ठीक टाइम है लेने का. आपको पता है कि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप है, एक लर्निंग ऐप या लर्नर्स ऐप आप बोल सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. इसे अगर आप डाउनलोड करेंगे एंड शेल K10 यूज़ करेंगे तो आपको जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं ऐप पे वो सब मिल जाएंगे. आप ये कोड यूज़ करके सारे फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर सकते हैं. फ्री प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्पेशल क्लास एंड एक होता है टेस्ट्स एंड क्विज. जो स्पेशल क्लास है वो सारे एडुकेटर्स हम इस ऐप पे लेते हैं और ये स्पेशल क्लास लाइव होते हैं. रिकॉर्डेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं. बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कराए जाते हैं और टेस्ट और क्विज, ये सारी चीज़ें फ्री हैं. अगर आपने ऐप डाउनलोड करके ये कोड यूज़ किया तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी. पूजा गुड इवनिंग. और आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे गोल में CSINET, UGC CSINET या CSINET, जो भी आपका गोल है उसे आपको सिलेक्ट करना है. और आप मुझे YouTube चैनल पे देख रहे हैं अनअकैडमी CSINET, यहाँ पे भी मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ. यहाँ पे जो क्लासेस लेती हूँ वहाँ पे अलग टॉपिक चलते हैं, ऐप में जो लेती हूँ वहाँ अलग टॉपिक चलता है. और बहुत जल्दी मैं अपने प्लस के कोर्सेज लेके आने वाली हूँ. ये तो फ्री टॉपिक्स है, फ्री जो चीज़ें हैं आपको जो मिलेंगी. इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी की. सब्सक्रिप्शन जो है वो दो तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस में क्या होता है, यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स इन लाइव क्लासेस. मतलब सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से. स्पेशल क्लासेस के अलावा तो दो तरह की क्लासेस होती है ऐप पे, स्पेशल क्लासेस एंड एक होती है सब्सक्रिप्शन की क्लासेस. ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस है सब्सक्रिप्शन की क्लासेस या यूट्यूब की क्लासेस, सब एक जैसे हैं. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पे कम पढ़ाते हैं कहीं ज़्यादा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसा है. आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो वहाँ पे कोर्सेस चलते हैं, जैसे प्लस हो या आइकॉनिक हो उनके कोर्सेस चलते हैं. तो कोर्सेस चलने से क्या होता है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है. जैसे कि मैं अभी स्पेशल क्लास सब्सक्रिप्शन की क्लासेस को प्लस क्लासेस भी कहते हैं या आइकॉनिक. आपने अगर आइकॉनिक लिया है तो आइकॉनिक क्लासेस बोल सकते हैं, नहीं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो प्लस क्लासेस बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे प्लस की क्लासेस भी लेके आऊँगी जिसमें मैं स्ट्रक्चर्ड वे में एक पूरा एक यूनिट को लेके आऊँगी कि मैं 1 मंथ में इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करने वाली हूँ या तो अपना एक प्लान लेके आऊँगी. उसी तरह से आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप प्लस में क्या होगा, आपको वो प्लान से पढ़ाया जाएगा. जैसे यूट्यूब में बहुत सारे एडुकेटर्स पढ़ाते हैं और स्पेशल क्लास में भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है विद इन 6 मंथ. बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाते हैं लेकिन पूरा सिलेबस जो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर, स्टेप वाइज मैनर, ये सब आपको मिलेगा अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया. तो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा जो मैं बोल रही हूँ, और PDF नोट्स के फॉर्मेट, नोट्स को PDF के फॉर्मेट में दिया जाएगा और बहुत सारे टेस्ट और क्विज एक्स्ट्रा मिलेंगे. आइकॉनिक और प्लस की क्लासेस एक जैसी होती हैं, क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सब कुछ एक जैसा है. डिफरेंस यही है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपका 24/7 डाउट्स क्लियर कर सकते हैं वाया मैसेज, कॉल, ईमेल. तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे आइकॉनिक में पर्सनल लेवल पे. यहाँ पे भी क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह आपके लिए स्पेशल किसी को रखा जाएगा जो आपके हर डाउट को आपके लेवल पे आके क्लियर करेगा. बस यही डिफरेंस है. इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स कुछ मिलेंगे एक्स्ट्रा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, मतलब पर्सनल लेवल पे आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. तो जो स्पेशल क्लासेस होते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा जो
जो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्लासेस होते हैं उन्हें बोला जाता है प्लस क्लासेस। आइकॉनिक क्लासेस में वही सेम, जो प्लस है वही आइकॉनिक, खाली डिफरेंस है पर्सनल कोच मिलेगा। उसके बाद अभी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कोर्सेज अभी बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स या बैच में। ये इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं, इनसे आपको प्लस में पढ़ने को मिलेगा, स्पेशल क्लास भी मिलेगा अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो। अब देखते हैं आइकॉनिक क्लासेस की प्राइजेस अमाउंट्स। प्रियंका मैम इनैंशियोमर क्या होता है? ओके बेटा बताती हूँ, रुकिए। ओके तो आइकॉनिक में तीन लेवल्स है, 6 मंथ्स के लिए है 18,000 टोटल, 3,000 रुपीज़ पर मंथ, 12,000 के लिए है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ, 24 मंथ्स के लिए है 45,000 टोटल एंड 1,875 पर मंथ। और ये सारी चीज़ें अगर आपने एंड में शेल के 10 यूज़ किया आपको 10% ऑफ मिलेगा इन प्राइजेस में, और ईएमआई में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मैं बहुत जल्दी ही प्लस की क्लासेस लेके आने वाली हूँ, और मैं जो पढ़ाऊँगी पूरा बेसिक से पूरा कंप्लीशन तक। देन ये है प्लस की अमाउंट्स, 1 मंथ का है 2,900, 3 मंथ का है 6,250 और पर मंथ है 2,083, फिर 6 मंथ्स का है 11,250, 1,875 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 13,750 इन टोटल, 1,146 पर मंथ, 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल एंड 833 पर मंथ। यहाँ पे भी सेम शेल K10 आपको यूज़ करना है, 10% ऑफ मिलेगा। और इसके ऊपर वाला आपने अगर ख़रीदा सब्सक्रिप्शन तो आपको नो कॉस्ट EMI में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप MSc में हैं फाइनल ईयर में, मतलब आप थर्ड या फोर्थ सेम में हैं, तो आप ये 12 मंथ वाला ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड या फर्स्ट सेम में हैं तो आप 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। आप BSc में हैं तो भी आप 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं, लेकिन आप फाइनल सेम में हैं तो आप 6 मंथ्स वाला ले सकते हैं। फाइनल सेम ख़त्म हो गया है तो आप 3 मंथ्स वाला ले सकते हैं, या आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैम आप अनअकैडमी स्पेशल क्लास लेते हो? पूजा नहीं बेटा अभी नहीं लेती हूँ, कुछ दिनों में मैं आने वाली हूँ। अभी मेरा 1 मंथ ही हुआ है कंप्लीट, यहाँ पे 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ है, जल्दी ही मैं लेके आऊँगी। तो मेरी टारगेट वहाँ होगी कि कैसे MSc के बच्चों को मैं नेट तक लेके जाऊँ। मैं बेसिक फंडामेंटल सबका क्लियर करूँगी, फिर हायर लेवल पर आप जाएंगे तो आप मेरे ही से मुझसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो और किसी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, ठीक है? अभी तो मैं स्पेशल क्लासेस पढ़ा रही हूँ, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैं वहाँ पे प्रोटीन पढ़ा रही हूँ। और कल मेरी क्लास है 5 बजे, वहाँ पे हम कल टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे और इसके साथ में हम अमीनो एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, कल मेरी क्लास में आइए। चलिए तो ये हो गया हमारा अनअकैडमी के लिए सारा उसका इंट्रोडक्शन। आप जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके प्रियंका इनैंशियोमर क्या होता है? मैं आपको पहले बता देती हूँ 2 मिनट में, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है, इनैंशियोमर इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या है? ए और बी समझ लीजिए 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनका अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल में अगर ले लेंगे सी अल्फा COH NH2 RH, एक और सी अल्फा NH2 COH RH, ये दोनों अमीनो एसिड्स के 2 फॉर्म हैं, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखिए दोनों में सारे ग्रुप सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें NH2 है, इसमें NH2 है, इसमें COH है, इसमें COH है, RRHH। दोनों में डिफरेंस क्या है? NH2 का प्लेसमेंट एक में लेफ्ट में है, एक में राइट में है। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स अलग हो उन्हें कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर। एक्चुअली मैं आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ाने से अच्छा होगा आप आइसोमर्स से स्टार्ट कीजिए, तब आप आएंगे स्टीरियो आइसोमर्स पे, तो अच्छा होगा। अभी उसके लिए टाइम नहीं है, हम किसी फ्राइडे सैटरडे को जो फेस्टिवल्स होते हैं
हम उनमें एक दिन ये पढ़ लेंगे, हो सके तो मैं इस वीक के एंड में आपको ये बता सकती हूँ। तो स्टेरियोआइसोमर्स का एक टाइप है इनांशियोमर। इनांशियोमर्स क्या होता है, जैसे कि हमारे दोनों हाथ, ये देखिए ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ये दोनों स्टेरियोआइसोमर है। देखिए क्योंकि इनके पहले देखिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम एक थंब है, एक थंब, इंडेक्स फिंगर भी एक ही है, मिडिल फिंगर भी एक ही है, रिंग फिंगर भी एक ही है, लिटिल फिंगर भी एक ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट देखिए डिफरेंट है। ये थंब यहाँ है तो इस हाथ का ये थंब, यही थंब, इस हाथ का थंब यहाँ होना चाहिए ना, तब दोनों का सेम होगा। लेकिन यहाँ का थंब यहाँ है, दूसरे हाथ का थंब उसके पास है, जब ऐसा चीज होता है इसको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। और हमारे हाथ स्टीरियोआइसोमर्स हैं, और स्टीरियोआइसोमर का एक स्पेशल क्लास होता है जिसको बोलते हैं इनांशियोमर। हमारे हाथ इनांशियोमर भी हैं। कैसे, देखो जब इसको मैं इसके ऊपर डालती हूँ तो ये दोनों हाथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन जाते हैं। देखो आप अगर इस हाथ को मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये हाथ दिखेगा कि नहीं, क्योंकि जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, थंब सामने दिखेगा, इंडेक्स फिंगर सामने दिखेगा, मिडिल फिंगर सामने दिखेगा, रिंग फिंगर सामने दिखेगा, लिटिल फिंगर सामने दिखेगा। अब इसको बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब जब मिरर में देखो, देखने से अगर आप किसी मॉलिक्यूल को मिरर में देखते तो आपको क्या दिखता, इस हाथ को मिरर में देखते तो आपको क्या दिखता, ये हाथ दिखता कि नहीं, इस हाथ का जैसा दिखता नहीं, तो ये दोनों हाथ मिरर इमेजेस हैं। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इनको जब मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये एग्जैक्ट फिट नहीं हो पाए। यहाँ मेरा थंब है, ये इसका यहाँ थंब है, तो दीज आर इनांशियोमर्स और स्टेरियोआइसोमर्स। तो इनांशियोमर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। एक टाइप होता है दूसरा डाइस्टीरियोमर। स्टीरियोआइसोमर का दो टाइप होता है, इनांशियोमर डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ऐसे एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, अगर इसकी क्लास कभी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इनांशियोमर आपको समझ में आया ना, बोलिए। अभी के लिए इनांशियोमर समझ में आया तो मैं आप पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। पिछली क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जो कि 1928 में किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा ऑन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में प्रियंका समझ में आया ना, आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये पता चला था कि एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ये वाला हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जो थे, दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रेन थे आर और एस, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लाइव जब इन दोनों को मिक्स किया गया था तो आर के पास एस का डीएनए चला गया था जिस वजह से आर एस की तरह बिहेव करने लग गया और आर के पास भी वो कोट आ गया जिस वजह से आर को प्रोटेक्शन मिल गई और आर ने माइस की बॉडी में जाके माइस को मार दिया। वहीं जो एस है वो एस क्या करता था, जब अकेले जाता था तब वो मारता था क्योंकि उसके पास एक कोट था, लेकिन जब आर अकेले जाता था तो उसके पास कोट नहीं था जिसकी वजह से आर मार नहीं पाता था, एस मार पाता था। जब दोनों को मिक्स किया तो आर ने एस का डीएनए ले लिया और कोट बना लिया। शिल्पी थैंक यू, प्रियंका थैंक यू। तो कोट बना लिया आर ने एस की तरह और आर भी मार सकता था माइस को। तो इसके बाद पता चला कि एक कोई चीज़ है जिसको, जिसकी वजह से आर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब जब आर और एस को मिलाया गया तब आर के पास ऐसा कुछ आ गया एस से जिसकी वजह से आर ट्रांसफॉर्म हो गया और उसे कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या है वो पता करने की कोशिश की गई। तो फिर पता चला कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है ना ही, वो प्रोटीन है ना ही, वो आरएनए है, वो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये पता चला। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये पता कंफर्म हो गया कि हाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो उसमें क्या यूज़ किया गया, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस एंड रेडियो लेबल्ड सल्फर। रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस एंड रेडियो लेबल्ड सल्फर यूज़ किया गया। रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस
नॉर्मल जो डीएनए होता है उसमें जो फास्फोरस होता है दैट इज P31, लेकिन जो रेडियो लेबल डीएनए है दैट इज P32। तो इस तरह से रेडियो लेबल डीएनए, रेडियो लेबल फास्फोरस और रेडियो लेबल सल्फर को यूज करने की वजह से हमें लास्ट में कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ये वाला एक्सपेरिमेंट कल हमने देखा था, मैं रिवाइज नहीं, रिपीट नहीं करूंगी। बस अभी कल के बच्चों, कल सबको आइसोटोप्स में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लास्ट में आ गया था। मैं इसे पूरा क्लियर तो की थी आई थिंक, लेकिन फिर आज थोड़ा सा बोल देती हूँ। जैसे कि ये एक एलिमेंट है अगर, तो उस एलिमेंट का जिस तरह से समझ लीजिए मैंने लिखा है P1531, तो ये 15 क्या है, 31 क्या है। इस तरह से एक सिंबल होता है AZ, किसी भी एलिमेंट, ये X एलिमेंट है AZ, A का मतलब होता है मास नंबर या एटॉमिक मास, Z का नंबर मतलब होता है एटॉमिक नंबर, A का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का स्तंभ, Z का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैंने लिखा P1531 और दूसरा क्या लिखा P1532, यहाँ पे क्या यूज किया गया, P32 यूज किया गया, लेकिन नॉर्मल डीएनए में क्या है P31 है ना। तो जो P32 यूज किया गया है ये रेडियो आइसोटोप है, ये रेडियो आइसोटोप है, ये एक नॉर्मल फॉस्फोरस है विच इज द मोस्ट स्टेबल एंड अबेंडेंट। हमारे नेचर में P31 होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में P32 भी मिलता है जो कि रेडियो आइसोटोपिक फॉर्म है P31 का। तो जो P32 है और P31 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो है नीचे वाला जेड जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है और उसमें एक न्यूट्रॉन कम है। इसमें जो एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है इस वजह से इसका सम हो गया 32। मतलब क्या है P32 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऊपर वाले का नंबर क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 15 और न्यूट्रॉन्स है 16, किस में P31 में। P32 में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 17। तो जो P32 होता है उसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है और जो P31 नॉर्मल होता है उसमें एक न्यूट्रॉन कम होता है ना। तो P31 में कितना न्यूट्रॉन है 16, P32 में कितना न्यूट्रॉन है 17, P31 में कितने प्रोटॉन्स है सेम 15, दोनों में प्रोटॉन्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है दोनों में। इस वजह से क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दे आर अनस्टेबल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, अनस्टेबल फॉर्म्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये जो अनस्टेबल फॉर्म होते हैं यही अनस्टेबिलिटी जो होती है वो किसी तरह से चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, तो वो रिलीज करते हैं उस चीज़ को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, इन द फॉर्म ऑफ आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से वो एक्स्ट्रा जो भी है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, इस तरह से तीन तरीके से वो अनस्टेबल जो फॉर्म है वो स्टेबल में कन्वर्ट होते हैं। अगर वो स्टेबल में कन्वर्ट होने के टाइम में कुछ रिलीज करते हैं, गामा रेज जिस तरह से रिलीज किए, हम उसी गामा रेज को ट्रैप कर लेते हैं और ये देख पाते हैं कि वो वाला आइसोटोप है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या था, सुपरनेटेंट था और हमारा प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट में क्या था, बैक्टेरियल सेल था सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, सुपरनेटेंट में क्या था, वायरस था। जब P32 यूज किया तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसमें P32 आएगा क्योंकि वायरस अपना डीएनए इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर में, तो बैक्टीरिया जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा उसमें P32 आएगा। सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी क्योंकि हमने P32 यूज किया है। तो ये जो P32 है इसके प्रेजेंस को हम कैसे फील कर पाएंगे, क्यों फील कर पाएंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ P31, जिस वजह से ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये उसको रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। हम इन गामा रेज को ट्रैप करके ये पता कर पाएंगे कि क्या वहाँ पे है या नहीं है। आ रहा है समझ में। अच्छा प्रियंका, अगर लेनिंजे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो बेटा, किस टॉपिक का, आप पहले ये बता दीजिए, ये वाला आपको समझ में आया सबको, रेडियो एक्टिविटी सबको समझ में आई, क्यों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
समझ में आई सबको ये बात? सबको समझ में आई ये वाली बात? आगे अब आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ओके नाइस। ओके प्रियंका, अगर आपको कोई डाउट है लेनी, जैसे आप कौन सा चैप्टर यूज कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं डीएनए स्ट्रक्चर, तो किसी दिन आप डाउट के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसी क्लास के बीच में कभी कर सकते हैं, या श्योर आई कैन रिपीट, एक सेकेंड मैं रिपीट कर देती हूँ। उससे पहले अगर आपको डाउट है तो क्लास के एंड में एक क्वेश्चन कभी पूछ सकती हैं आप मुझे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने बोला है, अगर टेलीग्राम चैनल हो गया तो आप मुझे वहाँ पे पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हैं, स्पेशल क्लास या इसे नॉर्मल क्लास में लास्ट में आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है? ओके बेटा, देखिए सुमिरन देखते हैं। ओके प्रियंका, मुझे आप पूछिए ये चैप्टर के एंड में आज, या हाँ ऐसा करना जिस दिन रिविजन एंड रिवाइज होगा इस चैप्टर का, इस वीक के एंड में हो जाएगा, तब आप मुझे उसका स्ट्रक्चर का, डीएनए स्ट्रक्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना। ओके बेटा, कल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें क्या था, एक बार ये एक्सपेरिमेंट ही पढ़ लेते फिर से, पढ़े या नहीं पढ़े जल्दी बोलो शिल्पी। ओके बताओ मुझे, ये एक्सपेरिमेंट को मैं फिर से बोल के आइसोटोप्स बोलूँ या खाली आइसोटोप्स बोलूँ? जल्दी जल्दी बोल दो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम मेन टॉपिक पे आ सकेंगे, क्योंकि मैं डेली क्या होता है एक थंबनेल बनवाती हूँ जिसमें उस टॉपिक का नाम रहता है, लेकिन हम इतना स्लो जाते हैं कि वो टॉपिक उस दिन ख़त्म ही नहीं हो पाता। जल्दी जल्दी, मेरी भी आदत है मैं थोड़ा स्लो ही जाती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूँ फिर आइसोटोप को पढ़ाऊँ, या सीधा आइसोटोप क्या है बता दूँ? जल्दी जल्दी कोई एक आंसर कर दो तो मुझे पता चल जाएगा। ओके प्रियंका, आइसोटोप्स, और किसी को ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है? जल्दी 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 सुमिरन, आपको क्या चाहिए, आइसोटोप या एक्सपेरिमेंट या दोनों? चलिए मैं बता ही देती हूँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बोले आइसोटोप्स। ओके आइसोटोप्स क्या होता है, चलिए, दीज आर द रेडियो एक्टिव, ओनली आइसोटोप्स तो ओके ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये क्या है, देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अच्छा सुनिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द जिनका क्या होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? देखिए एक एग्जाम्पल अगर यहाँ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, P15, 32, फॉस्फोरस, ठीक है? मैम आपने रामचंद्रन नहीं पढ़ा है प्रोटीन, बेटा प्रोटीन ऐप में चल रहा है और अभी वहाँ पे टाइट्रेशन ही हुआ है स्टार्ट, तो अभी बहुत टाइम है वहाँ तक पहुँचने में, हो जाएगा। हमने अमीनो एसिड्स का ख़त्म किया है, और सोनिया यस गुड इवनिंग, अमीनो एसिड्स ख़त्म किया है, अभी टाइट्रेशन कर कल ख़त्म हो जाएगा, फिर जब वहाँ आएंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा सुमिरन, मैं एक्सपेरिमेंट भी बता देती हूँ, समझ में आया विजय आपको? रामचंद्रन पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, डोंट वरी, आप ही के इनफैक्ट आपके कहने पे और प्रियंका के कहने पे ही मैंने वहाँ पे प्रोटीन स्टार्ट किया था, तो अभी हम टाइट्रेशन कर्व कल पढ़ लेंगे, उसके बाद सब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, डोंट वरी। चलिए ये एक्सपेरिमेंट मैं जल्दी से ब्रीफ में बोल देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या किया गया, चलिए दो कल्चर मीडियम लिया गया, इनमें वायरसेस को कल्चर किया गया, किसी ने वो मेरा होमवर्क किया, मैंने आपको क्या कहा था गैंजिस में कौन से बैक्टीरियोफेज है उसका लिस्ट बताने के लिए, किसी ने नहीं देखा, देखती हूँ कौन बता पाता लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक। ओके क्या किया गया, दो कल्चर प्लेट्स लिए गए, वायरसेस को कल्चर किया गया, कैसे कल्चर किया गया, एक में हमने P32 दिया और एक में हमने S35 दिया, ठीक है? एक में हमने S35 दिया, एक में हमने P32 दिया। यस बेटा, अनअकैडमी की ऐप पे आप उसको डाउनलोड कीजिए, शेल K10 यूज़ कीजिए, तो फिर आप कोड यूज अनलॉक कर लेंगे मेरे सारे चैप्टर्स अनलॉक कीजिए, उसमें अमीनो एसिड्स को मैंने स्टार्ट करवाया है, टाइट्रेशन कर बाकी अमीनो एसिड्स ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रोटीन में एंटर करेंगे और फिर रामचंद्रन प्लॉट भी उसमें होगा। चलिए दो कल्चर प्लेट्स लिए गए, वायरसेस को उसमें कल्चर किया गया, कौन से वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरियोफेजेस को कल्चर किया गया, ठीक है? एक जो कल्चर प्लेट ए, कल्चर प्लेट बी, कल्चर प्लेट ए में P
E32 यूज किया गया, कल्चर प्लेट बी में S35 यूज किया गया, ठीक है। कल्चर प्लेट ए में जो P32 यूज किया गया, इस वजह से इसका जो यहाँ पे जो वायरसेस हैं उनका जो डीएनए है उसमें P32 इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, जो कि नॉर्मल फॉस्फोरस से डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल फॉस्फोरस हमारे डीएनए में पाया जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, P32 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है नॉर्मल फॉस्फोरस का, उसको इन्होंने इस मीडियम में दिया, जिस वजह से यहाँ के जो वायरसेस हैं उनके डीएनए में P32 आ गया। नॉर्मल फॉस्फोरस है हमारा P31, हमारे डीएनए में वही होता है। P31 इज द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस ऑन अर्थ। वैसे तो शायद 21 या 22 आइसोटोप्स हैं फॉस्फोरस के, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल है वो है P31, बाकी जो आइसोटोप्स है वो ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। तो इस वाले कल्चर मीडियम में जो फॉस्फोरस दिया गया दैट वॉज P32 एंड इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नॉर्मल फॉस्फोरस फाउंड इन डीएनए, ओके। तो यहाँ पे जो वायरसेस थे उनके डीएनए में नॉर्मल फॉस्फोरस ना होके P32 मिला, डन। आगे बढ़ते हैं, S35, इनका जो वायरस, इसमें जो वायरस थे, एक्चुअली देखो साइंटिस्ट को ये पता नहीं था, मैं आपको पता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। देखिए अब P35 विजय यस प्रोटीन में, ओके अच्छा, बी में S35 जो लिया गया था ये एक आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सल्फर का। अब यहाँ पे ये जो सल्फर है ये प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ वायरस के, वायरस का ये स्ट्रक्चर है, देखो ये सब प्रोटीन से बना, देखिए ये है न्यूक्लियो कैप्सिड, ये इसका कैप्सिड है, प्रोटीन कोट, ये जो है ना ये एक प्रोटीन कोट है, ठीक है। ये है, ये देखिए ये हो गया नेक, ये देखिए ये हो गया टेल या ट्रंक भी बोल सकते हैं, ये देखिए ये है टेल फाइबर्स और ये है टेल प्लेट, ठीक है। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो उसकी बॉडी के हैं वो प्रोटीन से बने हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जो उसका डीएनए है वो तो फॉस्फोरस से बनेगा। तो जो S35 यूज किया गया सेक्शन कल्चर बी में, उसमें प्रोटीन्स में S35 आ गया। S35 कैसे प्रोटीन्स में आ गया, तो एक सेकंड में चार्जर ऑन कर देती हूँ, मेरा चार्जर ऑफ हो गया, एक सेकंड। तो देखिए S35 है, S35 प्रोटीन के वायरस के प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है। तो वायरस के जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ S35 कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ, कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स में, कौन से स्पेशल अमीनो एसिड्स में, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, क्योंकि सिस्टीन और मिथियोनिन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर होता है, ठीक है। मैम क्या सर्च करते हैं एकेडमी में, आपको नहीं मिल रहा है बेटा, आप अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप अगर शेल K10 अपना गोल डालिए, फिर मेरा कोड डालिए, तो आपको सारे स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे और स्पेशल क्लासेस में मेरे क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे। और कल दिन में मेरे, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे अभी कल दिन से पहले, तो कल 5 बजे है मेरी क्लास स्पेशल क्लास ऐप में, ठीक है। तो मैं अभी वहाँ पे टाइट्रेशन कर पढ़ा रही हूँ, आप देखिए ट्राई कीजिए, नहीं तो किसी को ग्रुप में पूछ लीजिए, आप में से ग्रुप में किसी ने अगर ऐसा किया है तो आप इनको हेल्प कर दीजिए, मैसेज करके इनको समझा दीजिए, ठीक है। बेटा लिंक कैसे सेंड करूँ मैं, उसका लिंक नहीं हो पाएगा, आप डाउनलोड तो कीजिए ऐप, कल आपको मैसेज आ जाएगा मेरी क्लास का। डाउनलोड करने के बाद में आपको पूछेगा कोड, मेरा कोड डालेंगे तो मेरे क्लासेस हो पाएगा। यस, S35 इज आइसोटोप ऑफ सल्फर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जैसे P32 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फरस, उसी तरह से S35 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर, ठीक है। विजय आप प्लीज़ ग्रुप में जिन्होंने ये जानते हैं वो विजय को बता दीजिए कैसे आप लोगों ने मेरी क्लास को अनलॉक किया था ऐप पे। प्रियंका शायद आपने अनलॉक किया है, आप बता दीजिए तो विजय को। चलिए तो हाँ, तो S35 जब डालेंगे दूसरे वाले में तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन्स में आ जाएगा। क्यों प्रोटीन्स में आएगा, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बने हैं, अमीनो एसिड से। तो कौन से अमीनो एसिड में आएगा, सिस्टीन और मिथियोनिन, इन दोनों में सल्फर होता है, इसमें होता है क्या सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, इसमें क्या होता है थायो ईथर ग्रुप, डन। तो थायो ईथर ग्रुप और सल्फाहाइड्रिल ग्रुप सल्फर से बनता है, तो जब भी वायरस को अपना प्रोटीन बनाना होगा तो उसके प्रोटीन में कहीं ना कहीं तो सिस्टीन और मिथियोनिन यूज होगा, तो वहां पे सल्फर S35 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या हुआ,
इन दोनों ग्रुप के वायरसेस को हमने बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक किया, ये वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक किया। अब इसका जो डीएनए है वो P32 उसमें है, और ये वाला वायरस जब अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर, तो वायरस का काम क्या है, अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट करना। तो इस बैक्टीरिया के अंदर में रेडियो लेबल्ड डीएनए घुस गया, डन। अब इस बैक्टीरिया के अंदर में कुछ भी जो डीएनए घुसा वो रेडियो लेबल्ड नहीं है, उल्टा इसके प्रोटीन में जो वायरस बाहर रह गया, क्योंकि वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया को तो वो अपने डीएनए को इंसर्ट करता है, अपनी बॉडी को बाहर ही छोड़ देता है। तो यहाँ पे इस वाले केस में जो उसकी बॉडी बाहर रह गई वो रेडियो एक्टिव थी, लेकिन यहाँ पे बॉडी के बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी घुस गई। अब ये दोनों केसेस के जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको ब्लेंड किया गया, मिक्स कर दिया गया सबको, इसको इसको मिक्स कर दिया गया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया गया। ट्यूब्स जो इसको बोलते हैं क्यूवेट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है। मैम आपका प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, अनअकैडमी पुराना स्टूडेंट ही हूँ, बट आपका प्रोफाइल। मैम मेरा लास्ट टाइम नेट हुआ, आई वॉन्ट टू गेट रजिस्टर्ड इन, बट आई हैव नो JRF, बट मेरी क्लासमेट का PhD। मैम मुझे बहुत बुरा लगा। ओके बेटा, मैं थोड़ी देर में आप दोनों का आंसर करती हूँ, इसको कंप्लीट करके दोनों का आंसर करती हूँ, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो जो भारी चीज़ होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर रह जाती है। जैसे आप चटनी पीसते हैं तो चटनी में मैम सिर्फ यस यस अच्छा बेटा, सिस्टीन और सल्फाहेड मिथियोनिन का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में सल्फर होता है। जो सिस्टीन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए C α H, ठीक है, NH3+ CO-, यहाँ पे R ग्रुप। ये जो R ग्रुप है सिस्टीन का वो है हमारा CH2 CH2 S CH3, ये सिस्टीन है। फिर से मैं बना देती हूँ, आई थिंक हो गया है। ये जो R ग्रुप है सल्फ इसका सिस्टीन का, उसमें नहीं, ये मिथियोनिन का है, सॉरी, हाँ ये मिथियोनिन का, देखिए मिथियोनिन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, थायो ईथर ग्रुप, मिथिन में होता है थायो ईथर, और सिस्टीन में होता है सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। इसमें SH होता है, RSH, और मिथियोनिन में होता है R1S R2। तो ये R1 हो गया, ये S है, ये R2। तो सिर्फ सिस्टीन और मिथियोनिन में ही सल्फर इंकॉर्पोरेट होता है, बाकी किसी अमीनो एसिड में सल्फर नहीं है उनके साइड चेन में। क्योंकि मेन चेन क्या है, अमीनो टर्मिनल, अल्फा कार्बन, सी अल्फा, कार्बोक्सिल टर्मिनल और एच। आर ग्रुप है ना हमारा साइड चेन, इस बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं। सो सिर्फ सिस्टीन और मिथियोनिन में क्या है, सल्फर ग्रुप्स है, तो S35 सिर्फ सिस्टीन और मिथियोनिन की वजह से ही वायरस के बॉडी में आएंगे, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, अब हमने इनको सेंट्रीफ्यूज किया। देखिए जब चटनी बनाते हैं तब उसका पानी जो होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, उसका जो मटेरियल होता है वो सेटल हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ होता है। यहाँ पे सॉलिड, यानी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेसिपिटेटेड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे थोड़ा हल्का चीज ऊपर आ जाता है। हल्का चीज को कहते हैं सुपरनेटेंट, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो देखिए इस केस में दोनों ही केस में बैक्टीरिया नीचे आ जाते हैं और वायरस जो होते हैं वो सुपरनेटेंट में रहते हैं। तो इस केस में प्रेसिपिटेट में हमको रेडियो एक्टिविटी मिली, इस केस में हमको सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। और ये पता था तब तक कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट या डीएनए इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया में। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी है तो वो किसकी वजह से है, फॉस्फोरस की वजह से। वो कहाँ था, डीएनए में था। इससे कन्फर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करता है। क्यों इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में ही वो इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूक्लियोटाइड। तो आप लोगों को पता है, मैं अभी वर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही हूँ तो इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है, आपको पता है इन्फॉर्मेशन क्या है। तो डीएनए में ही वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिससे प्रोटीन बनते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। एम आई क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया। अब आइसोटोप समझेंगे, ये सबको समझ में आया, जल्दी आंसर कर दो, तब तक मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ओके क्या है बायो, अच्छा विजय आप नहीं मिल रहा है, पता नहीं बाकी बच्चे तो आए हैं। आपने मेरा नाम ठीक से डाला है ना, शेल, ठीक है,
शैल झा, ठीक है, ये नाम डालिए तो शायद आ जाए, नहीं तो इस ग्रुप में कोई अगर है जो किया है तो आप प्लीज विजय को बता दीजिए। सुनिया बेटा, अच्छा सोनिया बेटा, क्या होता है ना, नेट क्वालिफाई करने से अगर आपके पास JRF है तो आपको थोड़ा प्रिफरेंस मिलता है, और साथ में क्या होता है, फेलोशिप मिल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपने एक ही जगह पे एक ही इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था क्या दोनों ने? आप बुरा मत मानिए, देखिए आप अगर नेट क्वालिफाइड ही हैं, खाली LS भी हैं अगर, तो आपको PhD का चांस हो जाता है, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मैम, हाँ लेकिन ये बात है कि आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में या आपकी इच्छा से ना मिले, लेकिन मिलने के चांसेस फिर भी रहते हैं, आप ट्राई कीजिए, इस बार ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। और अभी फिर देखिए ना, बहुत सारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी निकला है ना पोस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में निकला है, उसके लिए ट्राई कीजिए। तो आपका PG अगर है और आपका नेट है और आपके पास अच्छी पढ़ाने की स्किल्स है, तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा जॉब। जैसे कि देखो, मैंने PhD नहीं किया है, लेकिन मेरे पास ये तीन चीज़ें थीं, शायद इसीलिए मुझे आसानी से मिल जाता है जहाँ पे भी अप्लाई करने से। तो आप PhD ना भी होने से मिल जाएगा आपको, तो ये इतना बड़ा बात, सॉरी PhD ना होने से भी मिल जाएगा। अभी आप डिसहार्टन ना होइए, आप दूसरी जगह पे अप्लाई कीजिए, ठीक है? तो या तो नेट आपको दोबारा करना है तो आप JRF के लिए ट्राई कीजिए फिर से, तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी जगह पे फिर से नेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हो सकता है अभी, ठीक है? ओके चलिए, समझ में आया जिन्होंने पूछा था। सुमिरन बेटा, आपको समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? तो मैं आइसोटोप्स के बारे में जाती हूँ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर द अनस्टेबल क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के कुछ अनस्टेबल फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे फॉस्फोरस का है P31, P32, ऐसे फॉस्फोरस का आई थिंक 22 या 23 फॉर्म्स है इस तरह से, ठीक है? तो P31, P32, इनमें से ये देखना है हर एलिमेंट का, जब आपको आइसोटोप्स का लिस्ट अगर आपके पास है तो आप ये चेक कीजिएगा कौन सा सबसे स्टेबल है और अबेंडेंट है अर्थ पे। तो P31 इज स्टेबल एंड अबेंडेंट, ओके, एंड P32 इज अ रेडियो एक्टिव फॉर्म विच वॉज यूज इन द एक्सपेरिमेंट, ओके ओके सुमिरन, ओके। तो P31, P32, अब ये दोनों में एक डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं ना आइसोटोप्स में, यही उनके रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से वो जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल फॉर्म हो रहे हैं, जो उनका अनस्टेबिलिटी जो आ रहा है, इनस्टेबिलिटी जो आ रहा है, उसको वो ठीक करते हैं और वो स्टेबल बनते हैं। कैसे? रेडियो एक्टिविटी डीके से, रेडियो एक्टिव डीके, दे अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। ऐसे तीन फॉर्म से मुझे याद नहीं आ रहा, एक मुझे याद है गामा रेस के फॉर्म में, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उनका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से जो अनस्टेबल है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। हम क्या करते हैं, इसी गामा रे को ट्रैप करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। तो देखिए कितना ईजी हो जाता है, अगर आपका आपको किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है एक सैंपल में, ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोटीन इंसर्ट किया है एक सेल में, ठीक है, आपको उस प्रोटीन का फंक्शन एंड लोकेशन चेक करना है, ठीक है। अगर इस प्रोटीन को आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल कर देंगे या टैग कर देंगे, टैगिंग या लेबल कर देंगे, तो ये प्रोटीन उस सेल में जहाँ जहाँ जाएगा आप उसकी मूवमेंट को लोकेट कर पाएंगे। क्योंकि तो क्या है, वो रेडियो एक्टिव आइटम के साथ आपने उसको लेबल कर दिया है, जिस वजह से क्या है, वो हमेशा रेडियो एक्टिव डिके करता रहेगा हर जगह पे। तो आपको वो सेल में जहाँ भी है, जहाँ भी मूव कर रहा है, आपको उसकी लोकेशन, आपका उसका सब कुछ पता चलता रहेगा। लेकिन यही अगर नॉर्मल प्रोटीन होगा, हम उसे देख नहीं पाएंगे सेल को, उस सेल के अंदर में उसका लोकेशन चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है ताकि उसका लोकेशन आसानी से पता चल जाए, और ये मेथड को कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ये बायोफिजिक्स के टॉपिक्स है। ऑटो रेडियोग्राफी से हम पता कर सकते हैं। यू सेड शेल 10, आई गॉट इट मैम एंड फॉलोड ऑल्सो, थैंक यू। शेल K10, ठीक है, के, मेरा नाम है शेल कुमारी जातो, इसलिए शेल K10, एम आई क्लियर? और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 16 है, यहाँ पे 17 है।
जिस वजह से ये 32 है, ये 31 है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है दैट इज मास नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन क्यों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं? एम आई क्लियर टू एवरीवन? वारिस कोई बात नहीं बेटा, शायद आप ही ने कल पूछा था आइसोटोप. हमने अभी तक आइसोटोप डिस्कस कर लिया. क्लास खत्म होने के बाद में आप इतना पोर्शन को देख लेंगे रिकॉर्डेड में, हम आप आगे बढ़ेंगे. आइसोटोप्स हमने आज फिर से, आपने शायद कल पूछा था तो मैंने सोचा मैं एक बार और आइसोटोप बता दूं. एंड मोमेंट पे उतना हो नहीं पाया. और एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, मेरा और मन नहीं होता 100% देने का. एक घंटा डेढ़ घंटा हो जाता है ना, तो थोड़ा मन लगता है 5 मिनट का ब्रेक हो जाए, जो हम तो नहीं ले सकते. इसलिए फिर मैं 1-1.5 घंटा के बाद क्लास बंद कर देती हूँ. तो कल मेरा वो पॉइंट आ चुका था, इसलिए मैं आइसोटोप्स पूरा ना समझा के थोड़ा बता के चली गई थी. आज थोड़ा सा डिटेल में बोली, आप लोगों को समझ में आया सबको? मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? तो चलिए अब जो टॉपिक है हमारा उसमें हम एंटर करते हैं. ओके सुमिरन, ठीक है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ. तो अब हम इस टॉपिक में एंटर करते हैं. क्या है ये टॉपिक? हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सबसे पहली बात, ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है. आप एक अच्छी सी जर्नी पे जाने के लिए तैयार हो जाइए. एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिए. अगर मिस हो जा रहे हैं या लेट हो जा रहा है तो रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिए. पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट. लास्ट में कंपेयर करेंगे हर एक स्टेप में कौन से एंजाइम्स यूज किए गए हैं. फिर प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट का, सारे प्रैक्टिस करेंगे. डोंट वरी. तो हम शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. चलिए, रेप्लिकेशन है हरकुलियन टास्क. क्यों? हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए, दे आर वेरी लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड, ठीक है? जिस वजह से क्या है, इतने लंबे लंबे डीएनए को कॉपी करना इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज देखिए, डीएनए कितने तरह के होते हैं नॉर्मली, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में. प्रोकैरियोट में नॉर्मली होता है सीसीसी डीएनए और यूकैरियोट का होता है लीनियर डीएनए, है ना? सीसीसी डीएनए मतलब क्या होता है? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, मतलब इस तरह से, यही है. टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, और ये है हमारा लीनियर डीएनए, ठीक है? हमारा जो लीनियर डीएनए है उसका एंड्स होता है 5' से 3', 3' से 5'. जो सीसीसी डीएनए है, मतलब क्या है? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, मतलब गोल बंद, और इनके ये जो गोल और बंद हुआ है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. क्या कोवेलेंट बॉन्ड? ये 5' इस स्ट्रैंड का और 3' इस स्ट्रैंड का, सेम स्ट्रैंड का, 3' उसी नेक्स्ट स्ट्रैंड का और 5' उसी स्ट्रैंड का, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, जिस वजह से ये गोल बन जाते हैं. ये तो सबको पता होगा. तो ये प्रोकैरियोट्स में होता है हमारा सीसीसी डीएनए, यूकैरियोट में होता है लीनियर डीएनए. अब देखिए, दोनों में पहले कंपेयर करते हैं थोड़ा सा. मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये कॉइल्ड है. मैं बस ऐसा बना दे रही हूँ. ये हो गया हमारा, ये 5' का मतलब तो सबको पता है. क्या है 5' का मतलब? शुगर CH2OP 5th prime. 3' का क्या मतलब है सबको पता है? लास्ट जो शुगर है उसका OH फ्री है 3' में, ऊपर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन के ये सब है. वैसे यहाँ पे 3', यहाँ पे 5'. अगर यही 5' 3' के पास आ जाएगा तो ये हो नहीं जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. कैसे? पता ही होगा आप लोगों को, मैं बताई भी हूँ पहले. CH2O डबल बॉन्ड ओ OH, ये मतलब है एक्चुअली. अब लास्ट वाला जो शुगर है OH यहाँ पे है ना, उसका OH ऐसा है. इसका क्या होगा? ये OH और इसका ये H चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना? जिस वजह से ये हो जाएंगे CCCDNA. डन. मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद यूनिट 12 यूनिट उससे हमें डाउट DBT एंड गेट में भी बहुत हेल्प होगा. ज़्यादातर एजुकेटर वो यूनिट नहीं कराए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग. ओके आई विल ट्राई फॉर श्योर. ये ख़त्म करने के बाद में हम वो शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं. तो CCCDNA एंड लीनियर DNA, सबको समझ में आ गया ये वाला बात? तो CCCDNA जो है प्रोकैरियोट का और हमारा जो लीनियर डीएनए है उसका जो रेप्लिकेशन होता है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले तो रेप्लिकेशन के लिए
एक स्पेशल सीक्वेंस होता है डीएनए का जिसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है, ओरीसी बोला जाता है प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, और यूकैरियोट में बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सिंपल सी का फुल फॉर्म है क्रोमोसोम, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड एज ओरीसी, यूकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये जो ओरीसी है ये स्पेशल सीक्वेंस है, इसका मतलब स्पेशल ए कुछ कुछ एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, दोनों का चेक करेंगे जब पढ़ेंगे डिटेल में. तो जो प्रोकैरियोट होता है उसमें एक ही ओरिजिन होता है, जो यूकैरियोट में होता है उसमें बहुत सारे ओरिजिन होते हैं. इसके वजह से प्रोकैरियोट का जो रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक, और यूकैरियोट में जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीरेप्लिकॉनिक. मोनोरेप्लिकॉनिक मतलब वंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. अब देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ लीजिए इस एरिया में है, तो ये वाला एरिया पहले मेल्ट करेगा, है ना, सॉरी, ये वाला एरिया पहले मेल्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है. जो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल, जो यूकैरियोट्स में होता है दैट इज मोनो डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल. मतलब क्या है इसका एक बार और देख लेते हैं. देखिए ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट का डीएनए, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. इमेजिन कीजिए दोनों चिपक चुके हैं, और ये हो गया हमारा यूकैरियोट का डीएनए, है ना. यूकैरियोट के डीएनए में क्या है, मल्टी रेप्लिकॉनिक, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मेल्ट हो गया डीएनए, यहाँ पे मेल्ट हुआ है, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. तो आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड में अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है. नहीं पता है तो अभी के लिए सुन के रख लीजिए, थोड़ी देर में समझा दूंगी. दोनों स्ट्रैंड में अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, क्यों कैसे क्या सब देखेंगे. तो समझ लीजिए यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, फिर ये कॉइल हो गया इतना दूर, समझ लीजिए यहाँ पे मेल्ट हुआ, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, फिर यहाँ पे मेल्ट हुआ, फिर ये समझ लीजिए कॉइल होके रह रहा है, फिर मेल्ट हुआ, फिर सिंथेसिस हो रहा है, फिर आगे जा रहा है. ये एक रेप्लिकेशन का एरिया है, ये एक रेप्लिकेशन का एरिया है, ये एक रेप्लिकेशन का एरिया है, लेकिन ये सब इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे. मतलब रेप्लिकेशन के मशीन्स बहुत सारी जगहों पर बैठेंगे, लेकिन रेप्लिकेशन एक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. ये जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो भी वो एक ही डायरेक्शन में होगा, क्या कैसे सब देखेंगे. अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होता है, लेकिन फिर ये जब रेप्लिकेट हो जाता है तो अच्छा ठीक है, ऐसा ही समझिए कि दोनों डायरेक्शन में, दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल ये इसी तरफ मूव कर रहा है, क्या कैसे सब पता चलेगा. तो यू कैरेट में क्या है, बहुत सारी जगहों पर रेप्लिकेशन होता है, मशीन्स बहुत सारी जगहों पर बैठते हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन एक ही है. अब प्रो कैरेट में क्या होता है, मशीन एक ही जगह बैठता है, यहाँ पे ही मशीन बैठेगा, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है. इसमें इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा, इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है. मैम मेल्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेटा मेल्टिंग के लिए फिर बहुत सारे सेट्स ऑफ एंजाइम्स, बहुत कुछ है, वो सब इनिशिएशन में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है इनिशिएशन में पढ़ेंगे, ठीक है. तो मेल्ट करने के लिए आते हैं हमारे जो इनिशिएटर प्रोटीन्स, ठीक है, इनिशिएटर प्रोटीन्स का एक सेट आता है, हेलिकेज आता है, बहुत कुछ है. तो वो हम एक एक करके सारे हीरो हीरोइन को लेके आएंगे, पूरी मूवी बनाएंगे, अभी के लिए बेस बना रहे हैं, ठीक है. हेलिकेज बेटा नहीं, हेलिकेज तो खोलता है, वो मेल्ट नहीं करता है, सॉरी मेल्ट नहीं करता है, इनिशिएटर प्रोटीन मेल्ट करता है, इनिशिएटर प्रोटीन. उसके आने के बाद हेलिकेज आता है, ठीक है, फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज, फिर आता है टोको आइसोमरेज, इस तरह से सारे एक, फिर आता है एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी इनिशिएटर हेलिकेज के बाद आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर टोपो आइसोमरेज आता है, एक एक करके सब आते हैं, फिर सबके नाम अलग अलग हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, पूरा हम सेटअप देखने वाले हैं, डोंट वरी. इतना समझ में आया सबको कि यूकैरियोट्स में
बहुत सारी जगहों पर सेटअप होता है, क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबा है, अगर वो सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होता तो कभी खत्म नहीं होता। तो यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारी जगहों पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक डायरेक्शन में फॉलो करता है। प्रोकैरियोट में एक ही जगह स्टार्ट होता है लेकिन दोनों डायरेक्शन में फॉलो करता है, बस इतना ही समझो। ठीक है, ठीक है, कैसे क्या अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए हमें सबसे पहले जो मैंने बोला इनिशिएशन चाहिए या स्टार्ट साइट चाहिए। जो ओरिजिन होता है उसी को स्टार्ट साइट बोलते हैं, मैंने ओरिजिन दोनों का नाम अलग अलग बोल दिया है। ओरी सी याद रखना, ओ कैपिटल होता है आर आई सी, और यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ओरिजिन जब रेप्लिकेशन होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो हो गया, दो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बोल दी। क्या क्या मैम? आप डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशन, सब बेटा सब कराऊंगी, डोंट वरी। मैं ये पूरा एक साथ ही लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने डीएनए स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था। मैंने आपको एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, कैप्सूल्स विच यू नीड टू टेक टू क्वालिफाई सीएसआई नेट। उसमें पहला था डीएनए स्ट्रक्चर, फिर आरएनए स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिपेयर, ट्रांसपोजोन्स, ये पूरा एक साथ चलता है। हम ये सब एक साथ पढ़ेंगे, फिर सब एक एक करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ओरिजिन कितने हैं, प्रोकैरियोट में वन है, यूकैरियोट में मिनी है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है यूकैरियोट में, रेप्लिकेशन का प्रोसेस प्रोसीड जो करता है, प्रोकैरियोट में बाई डायरेक्शनल है। थर्ड मेन बात, इसके बाद आगे घुसेंगे टॉपिक में, थर्ड मेन बात है प्रोकैरियोट में जो है रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है पूरा। क्यों? क्योंकि ये गोल है, तो जहां से शुरू होता है वहीं पे आके एंड होता है, पूरा गोल है इसलिए कंप्लीट होता है। बट यूकैरियोट्स में इनकम्प्लीट रहता है, टीलोमियर का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। टीलोमियर क्या है? एंड्स ऑफ डीएनए, अभी के लिए इतना समझिए। ये अगर डीएनए है हमारा, सब स्पेशल सब बातें बताएंगे, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है। अगर ये यूकैरियोट के केस में क्या मैंने बोला, रेप्लिकेशन इज इनकम्प्लीट, दैट मीन्स द टीलोमियर्स आर नॉट कम्प्लीटेड। हर वक्त नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में कम्प्लीट होता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द रेप्लिकेशन इज कम्प्लीट, दैट इज द पॉइंट इट स्टार्ट्स एंड द पॉइंट एट दैट पॉइंट इट एंड्स। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन इज नॉट कम्प्लीट, दैट इज द टीलोमियर इज नॉट टीलोमियर द एंड ऑफ डीएनए या द एंड ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द टीलोमियर इज नॉट रेप्लिकेटेड, दैट इज व्हाई द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। टीलोमियर इज नॉट रेप्लिकेटेड बिकॉज ऑफ विच द यूकैरियोट्स सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, दे डाई आफ्टर 50 साइकल्स ऑफ सेल डिवीजन। मतलब एक सेल हुआ, दो सेल बना, सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन करके दो डॉटर सेल बने, फिर ये चार डॉटर सेल बनाएंगे। इस तरह से 50 साइकल्स तक ही सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद वो और प्रोसीड नहीं करेंगे। 50 साइकल्स के बाद जो डॉटर सेल से दे विल नॉट एंटर अगेन इनटू सेल साइकिल, दे विल डाई बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। आपको पता है कि रेप्लिकेशन होगा तभी ना सेल डिवाइड होगा, रेप्लिकेशन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट, सेल साइकिल। रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए आपस में बांटेंगे दो सेल, अब टीलोमियर रेप्लिकेट कर ही नहीं रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रेप्लिकेशन ना होते 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 डीएनए बहुत, मतलब क्या है, डीएनए के मेन एरियाज में एंटर कर जाएगा रेप्लिकेशन का पार्ट, मतलब उनके एंड्स खत्म हो जाएंगे, घिस जाएगा। अब डीएनए के प्रोटीन कोडिंग सेगमेंट्स छोटे होने लग जाएंगे, अगर तो सेल मर जाएगा। यही ये एक रीजन कहा जाता है एजिंग को, एजिंग के लिए ये एक रीजन कहा जाता है। ठीक है, हो गया ये सब। हम व्हाई डू दे डाई, हाँ देखो ना बेटा, ये हमारा डीएनए है समझ लो। ठीक है, जो टीलोमियर्स होते हैं दे आर द लॉन्ग रिपेटेटिव सीक्वेंसेस, बेसिकली जीसी होता है इसमें, जीसी आइलैंड्स होते हैं। तो ये देखो, इतना दूर समझ लो, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं दोनों तरफ। तो क्या होता है, टीलोमियर जो रेप्लिकेट नहीं करता है ना, तो हर बार डीएनए छोटा होते जाता है।
मतलब छोट डी और टीलोमियर से किसी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, ये बात याद रखेंगे, टीलोमियर से किसी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। अच्छा क्यों नहीं होता ये सब पढ़ना है, यही तो प्रोसेस है टीलोमियर का, क्यों नहीं सिंथेसिस होता है ये हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन में। मैंने कहा ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे जब पता चलेगा, बहुत बहुत मज़ेदार है, क्यों नहीं होता है, बहुत बहुत अच्छा है, देख पढ़ोगे तो सब पता चलेगा। फिर आपको बताऊंगी तो कुछ सेल्स में होता है, आप पता आप पूछोगे कैसे होता है, वो सेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो टीलोमियर्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। हर बार जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, क्यों नहीं होता, इस सेल में क्यों होता है वो सब हम देखेंगे। तो क्या होता है, टीलोमियर जो होता है हर बार छोटा होते जाता है, समझ लीजिए इतना टीलोमियर है, इतना टीलोमियर है, छोटा हो रहा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग रिपीटेटिव सीक्वेंस हैविंग जीसी पेयर्स, मोस्टली जीसी का आइलैंड ज़्यादा होता है उसमें। अब क्या होता है, हर बार डीएनए छोटा होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ठीक है एक पॉइंट तक ठीक है, क्योंकि टीलोमियर छोटा होने से सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑलमोस्ट 50 टाइम्स डिवाइड होने के बाद में टीलोमियर खत्म हो जाते हैं, बैकअप खत्म हो जाता है, और ये वाला प्रोटीन सीक्वेंस में एंटर कर जाता है डीएनए छोटा होना, बस उसके बाद सेल मर जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इज देयर एनी फंक्शन ऑफ टीलोमियर, यस ऑफ कोर्स इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए, जो अभी हम बात कर रहे हैं, इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए फ्रॉम शॉर्टनिंग बिकॉज इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट कंप्लीट, प्लस इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए फ्रॉम स्टिकिंग विथ ईच अदर। टीलोमियर होता है ना तो ये कैप की तरह, ये जो होता है ना ये ऐसे फोल्ड होकर कैप की तरह बना लेता है, तो एक डीएनए दूसरे डीएनए से स्टिक नहीं करते हैं ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टिक करते हैं, ये सब में टीलोमियर हेल्प करता है। मैम इसको एंड प्रॉब्लम, यस वेरी गुड, इसको ही बोलते हैं ईआरपी, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ सेल्स में क्यों नहीं होता है, अब मैं बता देती हूँ किस सेल में नहीं होता है, सुन लीजिए, कैंसर सेल, ठीक है, स्टेम सेल, ठीक है, एंड गैमेट्स, इन तीनों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उनमें टीलोमियर रेप्लिकेट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज टीलोमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, टीलोमरेज एंजाइम की वजह से ये तीनों में ये काम हो पाता है। ये एंजाइम हमारे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, जिस वजह से उन बिचारों का डीएनए नहीं हो पाता है रेप्लिकेट, और वो छोटे होते जाते हैं और वो मर जाता है, ठीक है, ईआरपी या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो ये तीन पॉइंट सबको समझ में आ गया, सबसे पहला क्या है, प्रोकैरियोट में एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड एज ओरीसी, यूकैरियोट में क्या है, बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड, प्रोकैरियोट में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है, यूकैरियोट्स में यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। थर्ड, रेप्लिकेशन इज कम्प्लीट, यहाँ पे ईआरपी होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। मैम बोलिए, मैम बोलते हैं कि एजिंग इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, यस मैं अभी बोली कि यही जो 50 टाइम्स के बाद में सेल्स जो मर जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द, मतलब बोल सकते हैं एजिंग का सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एजिंग क्यों होती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, आप बोल सकते हैं देर आर वेरियस लॉज या वेरियस प्रिंसिपल्स विच डिफाइन या विच टेल अस अबाउट एजिंग, द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट इज दिस ईआरपी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो एंटी एजिंग जो क्रीम्स होते हैं वो लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी टीलोमियर को छोटा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। हाँ, उन क्रीम्स में क्या होता है, कोलाजन बूस्टिंग सब्सटेंसेस होता है, और कोलाजन आपको पता है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अवर टिश्यूज, टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, या बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स है टिश्यूज के, उसमें कोलाजन अबंडेंटली अगर है तो वो टिश्यू अच्छा रहेगा, तो सेल्स अच्छे रहेंगे। तो एंटी एजिंग क्रीम्स या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कोलाजन बूस्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जिससे कि सेल्स अच्छे से रहते हैं, मतलब ज़्यादा सेल्स में कोलाजन, टिश्यूज में कोलाजन रहता है, तो जल्दी स्किन ना सिंक नहीं करती है, बस वही होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अ टेम्पलेट, या यू कैन से अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, टू रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम मेन टॉपिक में एंटर कर चुके हैं, सबसे पहले तो मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, अब हम एंटर कर गए हैं टॉपिक में कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का एक बेस बनाना है हमको, फिर हमको एंजाइम्स को एंटर कराना है, एंजाइम्स को फिर हम प्रोकैरियोट के रूप में एंटर कराएंगे और यूकैरियोट का एंटर कराएंगे।
और सारे प्रोसेसेस को देखना, ठीक है। तो हम पहले बेस बना रहे हैं, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी क्या क्या है। तो रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? लीजिए बेटा, एस्कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, यू कैन से इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन अवर बॉडी इन टिश्यूज, टिश्यूज के भी किसमें, मैट्रिक्स में। कोलाजिन की वजह से ही सारे सेल्स जो होते हैं ना वो बंधे हुए रहते हैं, मतलब वे लंबे लंबे प्रोटीन्स है, दीज आर फाइबरस प्रोटीन्स, फाइबरस प्रोटीन्स फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ टिश्यूज। तो जो क्रीम्स हम लगाते हैं या अच्छा खाएंगे अगर हम, तो कोलाजिन बूस्ट होता है हमारी बॉडी में। बूस्ट होने से क्या होता है, स्किन जो है वो इतनी जल्दी सिंक नहीं करती है, जो रिंकल्स है वो उतनी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है रिंकल्स तो आना बाउंड है, हम डिले कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि टीलोमियर की प्रोसेस जो हमने अभी सीखी, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, इसको कोई क्रीम सॉल्व नहीं कर सकती। हाँ, आप अगर, आप में से कोई अगर नोबेल प्राइज़ पाएगा तो आप क्या करेगा, आप कोई जाके अगर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे यूकैरियोटिक सेल्स में, नोबेल प्राइज मिलेगा, तो फिर हम एजिंग से रुक सकते हैं, बच सकते हैं। तो फिर जब प्राइज लेने जाओगे, स्पीच दोगे, तो मेरा नाम भी लेना कि ये मुझे सबसे पहले मैम की क्लास में पता चला था अन अकेडमी पे, और मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इसलिए हम सब एजिंग से बच गए। मेरा भी नाम लेना अगर जाओगे तो, ठीक है। अगेन, व्हाट आर द टू रिक्वायरमेंट्स? यस श्योर, हम उसको ही एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है डी एन पी पीस। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज प्राइमर और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। आप सभी ना अपने नोट कॉपीज को रखा कीजिए हैंडी और उसमें अच्छे से लिखा कीजिए, ठीक है। यस, आप लोग कीजिए, नोबेल प्राइज पाइए और मेरा नाम जरूर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करना जरूर। कैसे ईआरपी को सॉल्व कर सकते हैं, पहले मेरे से सुन के जाओ आप लोग ईआरपी क्या है। ऑफकोर्स मेरा तो क्रेडिट बनता है ना, पहले ईआरपी क्या है समझोगे, उसके बाद फिर अपने लैब में जाओगे, बड़ा बड़ा सब नेट क्वालिफाई कर लेंगे, सब जीआरएफ हो जाएंगे, बड़ी बड़ी जगह पे जाके पीएचडी करेंगे, सब इसी टॉपिक पे काम करना। मेरा नाम लेना कि ये सब हमें मैम ने समझाया था, और उसके बाद फिर तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलेगा, मुझे भी देना, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो मेरे को थोड़ा हिस्सा देना उसमें से, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, डी एन टी पीस एंड प्राइमर और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। अब ये सब है क्या, शुरू करते हैं पहले डी एन टी पी से। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ डीएनए स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा ब्रीफली बोल देती हूँ, आप लोग प्लीज़ डीएनए स्ट्रक्चर जो भी है एक बार उसे देख लेंगे, है टेम्पलेट में लिखा हुआ है, ठीक है। श्योर विजय, मेरा नाम लेना, मुझे आधा पैसा देना, आधा नहीं तो 1/4 तो दे ही देना प्लीज़, बहुत काफ़ी पैसा मिलता है उसमें तो। और हमारे इंडिया का नाम भी होगा, फिर मेरा नाम तो होगा, अन अकेडमी का नाम होगा, अच्छा होगा। तो आप डी एन टी पीस क्या है, तो ये आप थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर जो है ना उसका प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो का थंबनेल में देखना ये होगा, उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दिया है, मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसे शुरू करना पड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो हमारे डीएनए में है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एस एन पी, ये तो आपको पता है, शुगर, नाइट्रोजेनियस बेस, फॉस्फेट, है ना, ये तो सबको पता है। मैम, बैक्टीरिया की डीएनए की रेप्लिकेशन 20 मिनट्स में, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वो भी समझाइएगा। ओके, ठीक है, हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो होगा ना। अच्छा, 7 करोड़, तो मुझे 3 करोड़ तो दे देना कम से कम, ठीक है। चलो 1 करोड़ 2 करोड़ भी देने से चलेगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी, देना लेकिन मुझे ज़रूर, ठीक है सोनिया। हाँ करेंगे बेटा, सब करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजेनियस बेस एंड फॉस्फेट, ये तो सबको पता होगा, एस एन पी, ठीक है। सो अ न्यूक्लियोटाइड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लीज अपनी कॉपी निकालिए उसमें लिखिए तो ही समझ पाएंगे, अ न्यूक्लियोटाइड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड, लिखिए अपनी कॉपी में, मोनोफॉस्फेट, लिखो इसको। अब एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो तो सबको पता है। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होता है उसका मतलब ये है, अब ये मत समझ लेना कि सब न्यूक्लियोटाइड का मतलब यही होता है, ये मैं अलग से क्लियर कर रही हूँ। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है उसका मतलब होता है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजेनेस बेस। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है,
शुगर प्लस नाइट्रोजेनियस बेस, है ना। न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होता है, अभी ये क्यों ऐसा बोल रही हूँ अभी समझ में आएगा, वो है एक शुगर, एक नाइट्रोजेनियस बेस, एक फॉस्फेट, ठीक है। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड को हम ये भी कह सकते हैं ना, इज ए न्यूक्लियोटाइड इज ए न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड एस एन एंड अ फॉस्फेट, सो अ न्यूक्लियोटाइड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी जल्दी, और अपनी कॉपी में इसको लिखने का कोशिश कीजिए, सब कुछ लिखिए अपनी कॉपी में। समझ में आया सबको? इतना सबको समझ में आया? क्लियर, जल्दी 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 जल्दी। सोनिया यस, आगे बढ़िए, सबको समझ में आया? एक न्यूक्लियोटाइड को क्यों न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कह सकते हैं, सबको समझ में आया? जल्दी सब थम्स अप दे दीजिए या क्लियर बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये चीज? अपनी कॉपी में सबने लिख लिया? ओके, कलर पेंस मेरे क्लास में दो कलर तीन कलर, और अच्छी कॉपी लिख के रखिएगा, लिखिएगा। ओके नेक्स्ट प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड, ठीक है। अब यही अच्छा, ये रफ स्ट्रक्चर है, मैं पूरा ये करेक्ट नहीं है पूरा, ये रफली बना रही हूँ, पूरा करेक्टली हम देखेंगे। ओके थैंक यू ठाकुर, ओके थैंक यू सबको, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक स्ट्रक्चर और बनाती हूँ, ये रफ स्ट्रक्चर है, मैं डिटेल नहीं बनाई हूँ, ये पूरा करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट लिख दी हूँ, पूरा करेक्ट बनाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। अब यही अगर ये शुगर हुआ हमारा, ये नाइट्रोजेनियस बेस हुआ, यहाँ पे अगर दो फॉस्फेट लगा दिया, ये क्या हो गया, एस प्लस एन प्लस पी प्लस पी, इसको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट। जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए। सो इस केस में न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट, बट इन केस ऑफ डीएनए वी हैव न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में सिर्फ ये नहीं, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ और होता है, उसके बारे में अभी मैंने बताया नहीं है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, लेकिन डीएनए में ये फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड होता है, इसलिए मैंने बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब और एक टर्म सीखा हमने, अभी साइटोप्लाज्म में डीएनए में वो सब छोड़ दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते। अब मैं एक और डायग्राम बनाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एस और एन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, डबल पी क्या है, डाइफॉस्फेट। तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है विच इज अ डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब मैम कैन वी रिकम्बाइन द लिजर्ड डीएनए विथ ह्यूमन डीएनए टू गेट टेलोमेरेज सीक्वेंस, बेटा लिजर्ड डीएनए में भी नहीं होता है ना, मैंने बोला यूकैरियोट्स में ही नहीं होता है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ये एस एन पी पी वाला पार्ट, ओके मैं एक बार और शुरू से शुरू करती हूँ। अमेजिंग शॉर्ट फैक्ट्स, आप वो कीजिए, कुछ और आइडिया लगाइए, कल मुझे बताइएगा कैसे टेलोमेयर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे यूकैरियोट्स में ये प्रॉब्लम है। हाँ हम ये कर सकते हैं कि कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम बायोलॉजिकली, नहीं हो नहीं पाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि कैसे कैंसर सेल का टेलोमेरेज एंजाइम जो है उसको कैसे हम अपने सेल में ले आए, इस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए सबको, ठीक है। देखो ये होता है यानी, ठीक है, एजिंग बायोलॉजिकली प्रिवेंट करना हो तो रहा है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अगर हो भी गया ना तो इट वॉन्ट बी गुड फॉर अस, इट्स बेटर कि हम एक एज के बाद मर जाएं, क्योंकि कितना और जिएंगे, बोर हो जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम सब खत्म हो जाएं एक पॉइंट के बाद, ठीक है। अगर एजिंग हो भी गई ना तो इट वॉन्ट बी गुड फॉर अर्थ, इट वॉन्ट बी गुड फॉर अस, उसके बाद कुछ बुरा ही होगा, जॉम्बीज आ जाएंगे, हम सब जॉम्बी बन सकते हैं, या हो सकता है इतना एक्सपेरिमेंट हमारे पर किया जाए तो ह्यूमन नेचर ही बदल जाए, एट द एंड ह्यूमन रेस पे ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इट्स बेटर कि हम ना करें ऐसा, नेचुरल चीज़ों के साथ ना ही खिलवाड़ करें तो अच्छा है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट तो निकाल सकते हैं, उसमें मेरा नाम दे सकते हैं ना। चलिए देखो क्या होता है डीएनए में हमारा क्या होता है, ये देखें यहाँ पे देखते हैं ना, डीएनए में हमारा क्या होता है, एक शुगर रहता है ना, एक नाइट्रोजीनियस बेस रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है, फिर शुगर रहता है, फिर नाइट्रोजेनियस बेस रहता है, फिर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजेनियस बेस, इस तरह से चलता है ना।
वारिस बेटा, मैं अभी सिर्फ पढ़ा रही हूँ। मैं 2015 में अपना पीजी की थी, तो उसके हिसाब से मैं अभी सिर्फ पढ़ा रही हूँ। मैं कुछ रिसर्च पीएचडी वगैरह अभी नहीं कर रही हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मेरा पैशन है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। तो शुगर नाइट्रोजनियस बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजनियस बेस फॉस्फेट, तो ये हुआ नहीं, SNP, ये एक SNP, ये एक SNP, ये एक SNP। इस तरह से DNA बनता है ना। DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब इट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। और एक न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है? एक शुगर, एक नाइट्रोजेनियस बेस, एक फॉस्फेट। अब समझ में आया? किसने बोला, किसको नहीं समझ में आया था? सुमिरन, समझ में आया? ये समझ में आया, DNA एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, जो कि देखिए यहाँ पे, जो कि शुगर से बनता है, नाइट्रोजेनियस बेस से बनता है और फॉस्फेट से बनता है। आप लोग प्लीज़ मेरे DNA के सारे प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं आप एक बार उसको देख लीजिए, या DNTP वाले को एक बार देख लेंगे, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है चीज़ों को। ये समझ में आया सबको? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट। ये एक शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट है, ये एक शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट है। इस तरह से हमारा DNA होता है ना? ठीक है सुमिरन। अब DNA इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, मतलब DNA का जो न्यूक्लियोटाइड है, इट इज हैविंग वन शुगर, वन फॉस्फेट, वन नाइट्रोजेनियस बेस, विच इज रिपीटेड ऑल ओवर। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? अ न्यूक्लियोसाइड इज शुगर एंड नाइट्रोजेनियस बेस। ठीक है, डाइफॉस्फेट नहीं समझ में आया कि वो कहाँ मिलता है। हाँ वो मैं समझाऊंगी, वो कोई बात नहीं, वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, वो अभी बताती हूँ। तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। पहले ये तीनों वर्ड्स समझ लो, थ्री वर्ड्स मैं बताने वाली हूँ, फिर साइटोप्लाज्म और DNA वाला क्लियर करूंगी। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है ना, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब इसी में अगर और एक फॉस्फेट ऐड हो गया, उसे क्या कहा जाएगा? SNP+P क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, अपनी कॉपी में इसको लिखिए, फिर लास्ट में सब सॉल्व करेंगे, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब अगर इसी न्यूक्लियोटाइड में तीन फॉस्फेट लगा देंगे, सेल में ये सब प्रेजेंट है, मत सोचिए मैं लगा रही हूँ, तीन फॉस्फेट, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब आती है सेल और साइटोप्लाज्म की बात, ये तीन चीज समझ में आया। अब उसके बाद में मैं बता देती हूँ, हमारे DNA में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में आपको हमेशा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स मिलेंगे, DNA में न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। हमें हमारे जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम जो DNA रेप्लिकेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ DNA पॉलीमरेज है ना। DNA पॉलीमरेज कन्वर्ट्स अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इंटू अ न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एंड देन इनकॉर्पोरेट्स इट इंटू द DNA। वाह सोनिया, थैंक यू, समझ में आया। इन साइटोप्लाज्म वी ओनली एंड ओनली हैव दीज न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी होता है, ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अभी बताऊंगी कैसे, अभी के लिए ये दोनों समझो। पहले साइटोप्लाज्म में है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड हैविंग थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। द DNA पॉलीमरेज इज वन एंजाइम विच हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA। दिस DNA पॉलीमरेज कन्वर्ट्स न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इंटू न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एंड देन इनकॉर्पोरेट्स इंटू DNA। सो हमारे साइटोप्लाज्म में सिर्फ ये है, इसे बनाना पड़ता है हमारे DNA पॉलीमरेज को, कैसे तोड़ना पड़ता है, इसमें से दो फॉस्फेट हटा दो, S+N+P+P+P, दो फॉस्फेट हटा दो, इसको लगा दो DNA में, बस हो गया। अब ये क्या है, ये कहाँ होता है? जैसे कि हम ATP देखते हैं ना, ATP जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? AD+PI होता है कि नहीं? ATP क्या है, ड्रॉ करें तो क्या होगा? ATP एडेनाइन फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। ATP क्या है? इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड है कि नहीं? ट्राई फॉस्फेट है कि नहीं है?
ये एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है कि नहीं, है कि नहीं? सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का नाम आ गया है। ये जब टूटता है तो किस में टूटता है? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। और पीआई मतलब क्या है? वो जो एक फॉस्फेट निकला, क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट था, इसकी जगह पे ए है, अगर ये हमारा एटीपी है, अब इसमें से एक फॉस्फेट को तोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया? एडीपी। मतलब क्या बन गया? एस प्लस एन प्लस पी प्लस पी। ये एडीपी क्या है? एस प्लस ए प्लस पी प्लस पी। और ये पीआई क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट जो बाहर निकल गया इसमें से। तो ये देखिए, जो डाइफॉस्फेट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं, ब्रेकडाउन से ही मिलते हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्हें ब्रेकडाउन करने से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके डीएनए में डाल दिया जाता है, या एटीपी वाले केसेस में, इस केसेस में जीटीपी में भी ऐसे ही होता है, डाइफॉस्फेट्स भी बनते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? जल्दी बोलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं तब तक आगे का लिखती हूँ। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ यहां तक? सबको क्लियर हुआ? मैं आगे लिख रही हूं, आप लोग मुझे आंसर कीजिए। और ये सब अपनी कॉपी में लिखते हुए जाइए, ठीक है? यस, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास यू गेव अस होमवर्क अबाउट बैक्टीरियोफेज केम फ्रॉम, मैम मुझे नहीं मिला, गूगल पर काफ़ी सर्च किया था, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, मैं भी अभी नहीं याद है मुझे, मेरे पास नोट्स में है, मैं आपको दिखा दूंगी। ये समझ में आया? अब देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया, न्यूक्लियोटाइड विथ सिंगल फॉस्फेट इज न्यूक्लियोसाइड, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड विथ टू फॉस्फेट इज न्यूक्लियोसाइड ड्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड विथ थ्री फॉस्फेट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। हो गया, ये तीन पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए में क्या है? जो शुगर है वो कैसा है? टू प्राइम में एच है, ओएच तो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी बोलते हैं कि नहीं? डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो यही एनएमपी अगर डीएनए में है तो उसको बोलेंगे डीएनएमपी। डीऑक्सीराइबोस या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीस। अब आ गया समझ में? फर्स्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? यही अगर आरएनए में होगा तो सिर्फ हम यूज करेंगे एनएमपी, एनडीपी एंड एनटीपी। ये टर्म्स है आरएनए के लिए, डीएनएमपी, डीएनडीपी एंड डीएनटीपी, ये टर्म्स यूज करेंगे डीएनए के लिए। हमें चाहिए क्या? ये चाहिए डीएनए के लिए सिंथेसिस में, हमारे पास है क्या? ये हमें इसमें से इसको कन्वर्जन करने के लिए ही डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, दैट्स ऑल। हो गया, सबको समझ में आ गया? रोनित, हेलो बेटा, सबको यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पूरा क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? प्रिंसु नमस्ते बेटा, सबको सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको सब कुछ क्लियर हुआ? आई होप मैंने सब समझा दिया है अच्छे से। फिर भी किसी को डाउट है, कुछ रिवाइज कराना है तो मैं फिर से समझा दूंगी। सबको क्लियर हुआ सब कुछ? सबको क्लियर हुआ सब कुछ? सबको क्लियर हुआ? यस सोनिया, यस ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। और आगे बढ़ते हैं। शिल्पी, यस ओके, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्स। चलो, ये वर्ड्स को आप कभी मत भूलना, एनडीपी एनटीपी ये सब कभी मत भूलना, क्योंकि अभी से यही हमारे दोस्त हैं और हमें यही आगे लेके जाएंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट सबको समझ में आ गया? देखिए, अब यही डीएनटीपीस अगर नाइट्रोजेनियस बेस पता है तो इस तरह से कहलाएंगे। डीजीटीपी नाइट्रोजेनियस बेस ग्वानिन है, डीसीटीपी नाइट्रोजेनियस बेस साइटोसिन है, डीएटीपी नाइट्रोजेनियस बेस एडेनाइन है, डीटीटीपी नाइट्रोजेनियस बेस थायमिन है।
और जो हम एटीपी देखते हैं ना, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है पता है? नॉर्मल उसमें शुगर होता है, एच होता है और ओएच होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे पी होता है। ठीक है, हो गया। मैम प्लीज रिपीट, किस बुक से है बेटा ये सारा चीज? वॉटसन से, सारा वॉटसन, सब कुछ वॉटसन से। ठीक है, पेज नंबर है 400 समथिंग, आई डोंट नो, मेरे पास है अभी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब सब वहीं से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया डीएनटीपीस क्या है बेटा? प्रिंसु, ये हम पढ़ चुके हैं डीएनए स्ट्रक्चर में, और अभी क्लास बंद कर रही हूँ मैं, तो फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगी। मैम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? मैम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, मतलब जो डीएनए को तोड़ता है, जो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जब तोड़ते हैं, वही तो, वही ना, ये एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। और आरएनए में तो किसी से भी टूट जाता है, किसी से भी। हेलिकेस, यहाँ पे हेलिकेस को यूज करते हैं ना हम, नहीं हेलिकेस तो नाइट्रोजेनस बॉन्ड को तोड़ता है, छोड़ी सॉरी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक तो टोपो आइसोमरेज होता है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ सकता है, ठीक है, उसके अलावा एंडो न्यूक्लियस और एक्जो न्यूक्लियस होते हैं जो कि तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तोड़ सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, आरएनए में कोई भी तोड़ सकते हैं, एनएसीएल होने से भी टूट जाएगा आरएनए में, इसलिए आरएनए यूज नहीं होता है। पेज नंबर बता दीजिए, अभी बता देती हूँ बेटा। प्रिंसू, ये हम पढ़ चुके हैं, आप थे उस क्लास में, डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने पहले मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर, रुकिए देखिए, मैंने मिनिमाइज करके ही रखा है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको बुक, ये वॉटसन की है, 7th एडिशन, पेज नंबर है 258, 257। ठीक है, 258, 257। एक्चुअली मैं जो ये सब पढ़ा रही हूँ, मैं 2-3 बुक्स पढ़ के पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये नोट्स यूज कर रही हूँ डाय वॉटसन का। मैंने ये बहुत पहले बहुत बार पढ़ा है, तो ये मैंने वॉटसन, लेनिंजर, पाथफाइंडर सबसे पढ़ा है, लेकिन आप एक फॉलो कीजिए, आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। पेज नंबर पता चल गया, 7th एडिशन है। ठीक है, ओके प्रिंसु बेटा, देखिए मैं आपके लिए थोड़ा बोल देती हूँ। हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट क्या होता है, ठीक है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है। ठीक है, हमने ये देखा कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट साइटोप्लाज्म में होता है, मोनोफॉस्फेट हमें डीएनए के लिए चाहिए, और ये कन्वर्जन करता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं ना पहली वाली क्लास में, वही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बस खत्म कर बोल के मैं खत्म करूंगी। अब हमें क्या चाहिए? एक प्राइमर चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक और बड़ा डिफरेंस मैं अभी बोलूंगी। सबसे पहले तो 3 डिफरेंसेस हम सीख चुके हैं, क्या क्या? सबसे पहले प्रोकैरियोट में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें बहुत सारे हैं, ये बाईडायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है, इसमें कंप्लीट होता है, इसमें नहीं होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, अब और एक पॉइंट में बताती हूँ डिफरेंस सबसे बड़ा, कि डीएनए में जो सिंथेसिस होता है, तो समझ लीजिए ये हमारा एक स्ट्रैंड है 5' से 3', इसको सिंथेसाइज करना है। ठीक है, इसको जब सिंथेसाइज करना है तो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉब्लम है, क्यों कैसे ये सब देखेंगे, अभी अब टाइम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉब्लम है कि उसको एक चीट करने के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है। अब बेचारा डीएनए पॉलीमरेज को आएगा, वो इस स्ट्रैंड को देखेगा, इसमें कौन से नाइट्रोजेनियस बेसिस है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री लेके आएगा, यहाँ पे एक एक करके सारे डीएनटीपीज को कन्वर्ट करेगा डीएनएमपीज में, और उसको ऐड करेगा एक एक करके, यही ना करेगा डीएनए पॉलीमरेज। मैम प्रियंका थैंक यू बेटा, हाँ प्रिंसु आप देख लेना वो वाला, ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, तो सारे डीएनटीपीज को जोड़ता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक एक करके। ठीक है, लेकिन उस बेचारे के पास इतना नॉलेज नहीं है, वो क्या कहता है, मैं तब नहीं कर पाऊंगा अकेले इतना बड़ा काम, मुझे चीट करने के लिए कुछ दो। उसको क्या हम देते हैं, हमारा सेल उसको क्या देता है, एक प्राइमर दे देता है। प्राइमर क्या होता है, ये हमारा डीएनए है अगर 5' से 3', तो यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल पहले आके लगता है। दूसरा कलर लेने दो मुझे, एक आरएनए का छोटा मॉलिक्यूल आके लगता है, जो कि बहुत छोटा होता है। कहाँ लगता है आके? 3' में लगता है हमेशा, और उसका डायरेक्शन होता है 5' से 3'।
दिस इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स शायद है, यस 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स ये उसको दे देते हैं जब हमारा सेल देता है। हमेशा याद रखना, हमेशा एक प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो ऑफकोर्स वो स्ट्रैंड के 3 प्राइम में आके लगेगा, और इस बारे में कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी हम देखते हैं। तो ये प्राइमर जब दे देते हैं तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको एक्सटेंड करता है इसको देख के। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज के पास दो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या, नहीं डीएनए पॉलीमरेज के पास यूकैरियोट की बात हो रही है, इनफैक्ट प्रोकैरियोट की भी बात हो रही है, ये डिफरेंस नहीं है भगवान, मैंने क्या बोल दिया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में है। एक्चुअली मैं आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में डिफरेंस में बताऊंगी अभी। एक यूकैरियोट प्रोकैरियोट में दोनों में ऐसा होता है क्या, दोनों के डीएनए पॉलीमरेज को एक चीटिंग मटेरियल चाहिए होता है, प्राइमर, जिसको जो एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है सेल में, इन विवो आरएनए ही होता है प्राइमर एक, ठीक है। ये प्राइमर आरएनए जो होता है ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट सीक्वेंस होता है, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रहता है, और अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो ये जिसको कॉपी कर रहा है उसके 3 प्राइम में लग जाता है। तो दो स्ट्रैंड से डीएनए के, यहाँ है 5 प्राइम, यहाँ है 3 प्राइम, यहाँ पे लगेगा, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों एंड में लगता है और डीएनए पॉलीमरेज इसको आगे बढ़ाता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज को कन्वर्ट कर देता है डीएनएमपीज में, और आके इसको चिपकाता है यहाँ पे एक एक करके, ठीक है। ये तो कहानी है डीएनए पॉलीमरेज की यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं चाहिए होता है, वो डायरेक्ट डीएनए से आरएनए बना पाता है, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हो गया, तो प्राइमर किसको कहते हैं आप पता चला, प्राइमर इज अ स्मॉल आरएनए चीटिंग मटेरियल, बस अभी के लिए इतना समझो, प्राइमर इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल विच हेल्प्स डीएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इट ऑलवेज बाइंड्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बस इतना ही, ठीक है। अब टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन क्या है वो सब आप कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। हाँ बेटा प्रिंसु, क्लास कल होगा 5 बजे, कल 5 बजे मेरी क्लास है उस पर ऐप पे, टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे, जो लोग वहाँ पे न्यू आए हैं वो लोग पुराने क्लासेस देख लेंगे, उसमें सारे अमीनो एसिड्स का हमने पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक उसका केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल नेचर सब सब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कल हम टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, कल इसको प्रोसीड करेंगे आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद में फिर फ्राइडे सैटरडे को स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आने वाली हैं, सब आपको बता दिया जाएगा, सब आप चेक कीजिएगा देख लीजिएगा। स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, कुछ अलग टॉपिक पे मैं पढ़ा देती हूँ 15 आधा घंटा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिसको अगर कोई डाउट है कल पूछना फिर से मुझे, जिसको और कुछ पूछना है कोई और क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है, कल हम मिलेंगे अब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।